फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरुआत करते एक नई रेसिपी के साथ जिसका नाम है बेसन की बर्फी, जिसको हम बनाएंगे बची हुई चाशनी से। ये वो चाशनी है जो हमारे पास बच जाती है। कई बार हमारे पास रसगुल्ले, गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं तो उसकी चाशनी बच जाती है, तो उस चाशनी को आप फेंके नहीं, उससे हम एक नई रेसिपी बनाएंगे, वह है बेसन की बर्फी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई को गैस पर रख लिया, फ्लेम को हम लो रखेंगे। अब हम सबसे पहले डालेंगे इसमें घी, जो एक कटोरी है इसमें हम अभी थोड़ा डालेंगे, उसके बाद जरूरत के अकॉर्डिंग और डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा घी एक कटोरी से मैंने 1-2 चम्मच के आसपास बचा लिया, जो हमारे आगे काम आएगा। घी को मेल्ट कर लीजिए। अब हम इसमें 1.5 से 2 कटोरी बेसन डालेंगे। बेसन हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि लंग्स ना बने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम बचा हुआ बेसन अब इसमें सारा ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है ताकि हमारा बेसन अच्छे से भून जाए। अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो हमारा बेसन ऊपर से भुन जाएगा लेकिन अंदर से कच्चापन रहेगा, तो हमें हमारा बेसन अच्छे से भूनना है। ऐसे दबा दबा के आप अच्छे से इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लीजिए। इसका अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है, वरना हमारी बर्फी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, हमें कच्चापन महसूस होगा। तो बेसन को भूनने में हमें 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन को हमें भूनते हुए 1 मिनट हुआ है। देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें घी की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इसको भूनेंगे, अच्छे से इसकी सिकाई करेंगे, तो ये घी छोड़ देगा। ये देखिए, अब हमारा बेसन भुनने लग गया है। जब हम बेसन को भुने तो हमें उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 से 2 चम्मच पानी डालूंगी ताकि हमारा बेसन फूल जाए और हमारी बर्फी दानेदार बने। अब इसको अच्छे से जल्दी जल्दी मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, ऐसा करने से हमारा बेसन
फूल जाएगा। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। अब मैं इसके अंदर चाशनी डालूंगी एक कटोरी। चाशनी को हमें एक साथ नहीं डालना, धीरे धीरे करके डालना है ताकि गुठलियां ना बने बेसन के अंदर। ये देखिए, इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर दीजिए। अब बची हुई चाशनी सारी डाल दीजिए और 2 से 3 मिनट हमें चाशनी डालने के बाद इसको पकाना है। ये देखिए, जो घी हमने बचाया था 1 चम्मच घी, अब मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि हमारी बर्फी खाने में बहुत ही लाजवाब लगे। 1 चम्मच डालना है, बाकी बचा लीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि पूरे बेसन में घी इक्वली मिक्स। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर 1 पिंच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। 1 पिंच के करीब हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए गाइस, अब हमारा बेसन की बर्फी का बैटर बनकर तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक मोल्ड ले लेते हैं। आप इसकी जगह थाली, प्लेट, बेकिंग ट्रे कुछ भी ले सकते हो। मैं ये मोल्ड ले रही हूँ। इसमें मैंने एक बटर पेपर डाल लिया है, उसके ऊपर मैं इसे घी ग्रीस कर देती हूँ ताकि हमें मिठाई को निकालने में प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली निकल जाती है घी लगाने से। अब मैं इसमें ये सारा बैटर डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड, अब हम 1 चम्मच की सहायता से या स्पैचुला की सहायता से इसको अच्छे से इसमें सेट कर लेते हैं। ये देखिए, हम अब चम्मच के पीछे थोड़ा घी लगा लेते हैं ताकि हमारा मिठाई का जो बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाए ऊपर से। थोड़ा सा घी लगा लीजिए। ये देखिए, इससे ये आसानी से ऊपर से इक्वल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बेसन की बर्फी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और यह हेल्दी भी होती है, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा बैटर मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। गाइस, अब मैं कुछ 7 से 8 बादाम ले रही हूँ जो मैं बर्फी के ऊपर ऐसे लगा दूंगी। ये खाने में बहुत ही हेल्दी होते हैं, आप ऐसे लगा लीजिए। ये देखिए, अब मैंने बादाम को बेसन की बर्फी के बैटर के ऊपर लगा दिया है। आप इसकी जगह कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी ताकि हमारा बेसन का बैटर ठंडा हो जाए और मैं इसको आपको 1 घंटे के बाद दिखाती हूँ कि हमारी बर्फी कैसी दिखती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी बेसन की बर्फी
ठंडी हो चुकी हैं। अब मैं इसको आपको पहले कट करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखिए कितनी सॉफ्टली तरीके से कट रही हैं। अब आप इसको, आप शेप कोई भी दे सकते हैं, बड़ी छोटी। मैं इसको बड़ी बर्फी की शेप दे रही हूँ। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेसन की बर्फी बनकर तैयार है। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी ऐसे सॉफ्ट बनी है। देखिए, इसके टेक्सचर से ही आपको पता चल जाएगा ये खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। तो फ्रेंड्स, आप भी बची हुई चाशनी से बेसन की बर्फी बनाएं और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको बेसन की बर्फी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।